देश वाली समाज के जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। सत्ताईस दिसंबर को देशवाली एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन देशवाली समाज के जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। कक्षा 10 और 12 में जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और ग्रेजुएशन में जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसके अलावा जिन्होंने खेल कूद के अंदर और सर्विसेज के अंदर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया, उन सबको सम्मानित करने का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें कक्षा 10 में 28 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, कक्षा 12 के अंदर 27 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और ग्रेजुएशन के अंदर 29 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा नौकरी जिन्होंने नई सर्विसेज प्राप्त की है उनमें भी 31 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जो आयोजकों के द्वारा ये सम्मान में एक मोमेंटो दिया जा रहा है, एक मेडल दिया जा रहा है और इस प्रकार के आयोजन पूरे समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और बच्चों का जो सम्मान समारोह हो रहा है उसके बाद में आगे जाके बच्चे क्या कर रहे हैं उनका भी एकदम मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट का वो चयन करे, कहाँ पर वो ट्रेनिंग्स ले, कहाँ पर अपने कोचिंग क्लासेज अटेंड करें ताकि वो सही जगह पर पहुँच सके। ना केवल सरकारी नौकरियाँ बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी स्कोप्स हैं, अपने खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, पारंपरिक जो परंपरागत अपने धंधे हैं उनमें भी अपना जो आजीवन है या अपनी लोहा मनवा सकते हैं। इन सब के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर मोटिवेशन के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि भाई खादी रईस साहब हैं जिन्होंने अभी RPSC के अंदर फर्स्ट पोजिशन के अंदर किया है। उसके अलावा कमरुद्दीन सांखला रिटायर्ड ADO थे और शौकत अली जी अभी वर्तमान में ADO हैं और अपने उनका क्या नाम है एग्रीकल्चर सद्दीक साहब रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं और वकील साहब हैं शाबुद्दीन जी, ये यहाँ पर अतिथि के रूप में आए। नाम जी आपका नाम? मेरा नाम कमरुद्दीन सांखला है, रिटायर्ड ADO।